सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की। दादी का लौकिक नाम लक्ष्मी था। लौकिक में दादी ईशु दादी की छोटी बहन है। लच्छू दादी का लौकिक नाम लक्ष्मी था और ईशु दादी का ईश्वरी था। लच्छू दादी बड़े नाच से कहती थी, स्वयं भगवान जिस भाग्यशाली रथ में आए, हमें उस भागीरथ को संभालने का पाठ मिला। दादी की विशेषता थी एक्यूरेसी। बाबा को कोई भी काम एक्यूरेट पसंद आता था और दादी हर काम परफेक्ट करती थी। शुरुआत में बाबा ने जब त्रिमूर्ति और कल्पवृक्ष के चित्र बनवाए तो लच्छू दादी, विश्वरतन दादा और बहनें मिलकर रात रात को जागकर चित्र बनवाते थे। दादी की यज्ञ में और भी एक सेवा थी, ड्राई फ्रूट का जो स्टोरेज था वो दादी के पास हुआ करता था और फैंसी सामान का स्टोर भी दादी संभालती थी। दादी बहुत इकोनॉमी से चलती थी। आइए सुनते हैं लच्छू दादी की जीवन कहानी उन्हीं की जुबानी। मुझे याद आता है जब मैं 5 साल की थी तब बालकनी में खेल रही थी और अचानक मेरा पैर फिसला और ग्रिल से मैं सीधा नीचे गिर गई। लेकिन मैंने देखा कि नीचे एक भाई खड़ा था, मैं उसके ऊपर ही गिर गई तो वो भी गिर गया, तो मेरे पैर थोड़े से ज़मीन को टच हुए और पैर में थोड़ी सी मोच आई। बस कैसे बचाया मुझे बाबा ने। जब मैं 6 साल की हुई तो मैं अपनी माँ के साथ ओम मंडली सत्संग में जाती थी। बाबा ज्ञान समझाता था परंतु मुझे ओम ध्वनि बहुत ही अच्छी लगती थी, तो उस सब के बीच से निकलकर मैं बाबा के पास ही जाकर बैठती थी। मुझे हमेशा लगता था जैसे कि ये मेरा लौकिक पिता है। तो बाबा को भी प्रेरणा आई कि बच्चों की बोर्डिंग खोली जाए, तो मैं और मेरी बहन ईशु हम दोनों बोर्डिंग में दीपावली से ओम निवास में रहने लगे। बाबा ने हमारी पालना इतनी प्यार से की, जो लौकिक हिसाब से किसी राजकुमारी की भी ऐसी पालना नहीं हुई होगी। हम करीब करीब 80 बच्चे थे तो हमें सहज रीति से ज्ञान समझाते थे गुलजार दादी, और हमने एक नाटक में हिस्सा भी लिया था जो भूला भाई और ब्रह्मा कुमारी के डायलॉग थे। उसमें 2 घंटे की हमारी स्कूल रहती थी, फिर शाम को हमारे लिए इंडोर गेम्स जैसे कैरम बोर्ड, रस्सी कूद, लूडो, बैडमिंटन खेलते थे और शाम को मिट्ठू दादी हमें गीत गाना सिखाती थी। बाबा आके सुनते थे कि बच्चे कैसे गाते हैं और रात का भोजन आंगन में बैठकर बाबा के साथ करते थे। बाद में बाबा सबका हालचाल पूछते थे कि बच्चे सबकी तबीयत ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं है, इस प्रकार रो रोहान करते थे। फिर रात को रेस्ट करने जाते थे तो हमारे बिस्तर पर मच्छरदानी लगी हुई होती थी। उसके बाद बाबा सबको लाइन में दृष्टि देता था और गीत बजता था, सो जा राजकुमारी सो जा। मैं पिताश्री के साथ ही रहती थी। बाबा 2-2:30 बजे ही जाग जाते थे। बाबा जागे और मैं सोई रहूं, ये तो जैसे बाबा का डिसरिगार्ड है ना। तो मैंने अंदर में एक दृढ़ संकल्प किया कि बाबा जागे तो मैं भी जाग जाऊँ, यह पक्का निश्चय रहा। बाबा जैसे ही उनकी चारपाई से पाँव नीचे रखता था मैं जाग जाती थी और उठकर बैठती थी। बाबा कहता था, मुट्ठी मैं इतनी धीरे से उठा फिर भी तुम जाग गई। तो मैं देखती थी बाबा आंगन में जाकर बैठता था। उस समय बाबा का रूप इतना पावरफुल होता था जो कोई उनके आगे जाने की हिम्मत ना कर सके। उस समय बाबा पूरे विश्व को सकाश देता था, विशेष जो बांधे लिया माता होती थी उनको सकाश और शक्ति भी देता था।
तो बांधेलियों के पत्र आते थे कि बाबा फलानी रात ये अनुभव हुआ कि हम बाबा को मिले, तो मिलने का अनुभव करते थे। कभी कभी बाबा दिन में समाचार पढ़ता था कि पोप आया हुआ है, तो बाबा का विचार चलता था कि कैसे उनको भगवान का गॉड फादर का संदेश देवे। तो बाबा अमृत वेले लिखता था और मुझसे लिखत को फेर करवाता था, फिर करेक्शन करता था। ऐसे बाबा की ये रूहानी सेवा उसी समय चलती थी। फिर बाबा दूध पीकर क्लास में चला जाता था। मैं बाबा के लिए छोटी छोटी रोटी बनाती थी जिसमें शहद और मक्खन लगाकर बाबा को देती थी। तो बाबा पहले शिव बाबा को याद करता था और पहली गेट्टी मुझे ही खिलाता था, फिर स्वयं खाता था। जब यज्ञ में बेगरी पार्ट भी आया ना, तब भी हमें कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि तब कैसी रोटी खाते थे और उस समय रोटी पर गुड़ की चाशनी लगाकर खाते थे। जब बाबा की स्थिति संपूर्णता की ओर जा रही थी, तब हमने देखा बाबा दिन प्रतिदिन उपराम होने लगे थे। जब भाऊ विश्व किशोर का मुंबई में ऑपरेशन चल रहा था, तो बाबा यहाँ बैठकर योगदान दे रहा था। और जब बाबा ने शरीर छोड़ा, तो हमारी स्थिति ठीक थी। बाबा ने पहले ही हमें पक्का कराया था, छोटेपन से दैवी गुण भरे थे कि कभी भी रोना नहीं, झूठ नहीं बोलना। तो बाबा कहते थे, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। तो बाबा ने कहा था कि बच्चे रोना नहीं, कभी भी हमने किसी के सामने आंसू नहीं बहाए। ऐसी हमारी प्यारी ब्रह्मा बाप की आज्ञाकारी, वफादार, हर कार्य एक्यूरेट करने वाली प्यारी लच्छू दादी को श्रद्धांजलि।